गुड मॉर्निंग। एल्डोफाइटा क्या हैं और इनके सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स क्या हैं। टेरिडोफाइटा एक ग्रीक शब्द है जिसमें टेरिडो का अर्थ है पंख फेदर्स और फाइटा का अर्थ है प्लांट्स, अर्थात फेदर्स युक्त प्लांट्स को हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। टेरिडोफाइटा को हम पादप जगत के सरीसृप अर्थात पादप जगत के रेप्टिलियन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रथम स्थलीय पादप हैं। इससे पूर्व में ब्रायोफाइटा डिवीजन था। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के एम्फीबियन कहते हैं, क्योंकि ये जल व थल दोनों पर पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। अर्थात ब्रायोफाइटा नम व छाईदार स्थान पाए जाते हैं और इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है तथा इनमें वेस्कुलर टिश्यूज भी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये स्थल पर रहने लायक प्लांट नहीं है। और इनमें मॉस को सम्मिलित किया गया, लेकिन टेरिडोफाइट्स को हम जो प्लांट्स सम्मिलित किए गए उन्हें हम फर्न्स कहते हैं। और इनमें सर्वप्रथम ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज अर्थात इसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। हालांकि जाइलम में वेसल्स का अभाव होता है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यूज का परिवर्धन हुआ और ये प्रथम वेस्कुलर टिश्यूज रखने वाले प्रथम प्लांट हैं, प्रथम डिवीजन हैं, इसलिए इन्हें हम पादप जगत के रेप्टिलियन कहते हैं। इनका मुख्य पादप स्पोरोफिटिक प्लांट है, स्पोरोफिटिक जो कि 300 स्पष्ट भागों में बटा होता है, जिन्हें हम जड़ तना व पत्तियां कहते हैं। हालांकि साइलोटम में जड़ें नहीं पाई जाती, इनमें मूलाभास पाए जाते हैं, लेकिन साइलोप्सिडा को छोड़ करके अन्य सभी क्लासेस में ट्रू रूट्स पाई जाती है। इन पौधों में स्पोर्स बनते हैं, अर्थात इसमें बीज नहीं बनते हैं, पुष्प भी नहीं बनते, लेकिन बीजाणु बनते हैं तथा बीज व पुष्प नहीं बनते, इसलिए इन्हें बीज रहित तथा पुष्प रहित पादप भी कहते हैं। और इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। वेस्कुलर क्यों कहा, क्योंकि इसमें वास्तविक सवन उत्तक उपस्थित होते हैं। अधिकांश टेरिडोफाइट्स स्थलवासी है तथा नम व छाएदार जगहों पर उगते हैं। कुछ टेरिडोफाइट जली हैं जैसे अजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया। अजोला को हम बायो फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं और अजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइट है तथा सबसे बड़ा टेरिडोफाइट का नाम है एल्सोफिला या साइथिया। एक टेरिडोफाइट है जो कि दूसरे पादपों पर वृद्धि करता है, इसे हम अधिपादप कहते हैं, एपिफाइट कहते हैं। इसका उदाहरण है लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया। अधिकतर टेरिडोफाइट शाकी होते हैं तथा कुछ वृक्ष की तरह हैं जैसे एल्सोफिला और साइथिया, इन्हें हम ट्री फर्न कहते हैं। इनका मुख्य स्वतंत्र पादप बीजाणुद्भिद होता है जो वास्तविक जड़ तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है। इनमें सवन उत्तक जैसे जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं, परंतु वेसल्स जाइलम में वेसल्स तथा फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। स्पोरिंजिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद पीढ़ी को जन्म देते हैं। बीजाणुधानियाँ बहुकोशिकीय होती है। बीजाणुधानियों के विकास के आधार पर टेरिडोफाइट दो प्रकार के होते हैं, लेप्टोस्पोरेंजियट। इस प्रकार के टेरिडोफाइट में बीजाणुधानी का विकास केवल एक ही कोशिका से होता है। इसके उदाहरण ड्राइप्टेरिस, टेरिस तथा मार्सिलिया। यूस्पोरेंजियट बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। इसके उदाहरण सिलेजिनेला, इक्विसिटम तथा लाइकोपोडियम। बीजाणुधानियाँ कुछ टेरिडोफाइट्स में पत्तियों की निचली सतह पर पाई जाती है जिसे बीजाणु पर्ण कहते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानी शंकु बनाती है जैसे सिलेजिनेला, इक्विसिटम तथा लाइकोपोडियम।
बीजाणु अगुणित होते हैं तथा अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद पीढ़ी को जन्म देते हैं, जिसे प्रोथेलस कहते हैं। प्रोथेलस सरल स्वतंत्र तथा स्वपोषी प्रकार का होता है। सम बीजाणु यानी होमोस्पोरस डेडोफाइट्स में प्रोथेलस पूर्ण विकसित उभयलिंगाश्री तथा एक्जोस्पोरिक होता है, परंतु हेटेरोस्पोरस डेडोफाइट में प्रोथेलस कम विकसित एक लिंगाश्री तथा एंडोस्पोरिक होता है। टेरिडोफाइट में नर जनन अंगों पुधानी तथा मादा जनन अंगों स्त्रीधानी कहते हैं, अर्थात एंथ्रिडियम तथा आर्चिगोनियम कहते हैं। इनमें पुमणु जिसे एंथ्रिडियोड्स कहते हैं द्विकशाबिकी या बहुकशाबिकी होते हैं। निषेचन के लिए जल की उपस्थिति आवश्यक है। निषेचन के बाद इनमें द्विगुणित युग्मनज या निषिक्तांड बनता है जो भ्रूण बनाता है। भ्रूण वृद्धि करके बीजाणु उद्भिद पीढ़ी को जन्म देता है। इस प्रकार टेरिडोफाइट्स में विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात दोनों पीढ़ियां आकारिकी रूप से भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए इस प्रकार के पीढ़ी एकांतरण को विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इसमें बीजाणु उद्भिद पीढ़ी प्रभावी स्वतंत्र होती है, जबकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर निर्भर होती है और स्वतंत्र नहीं होती है। अर्थात युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी से बनता है और युग्मकोद्भिद पुनः बीजाणुद्भिद पीढ़ी को जन्म देता है। इस प्रकार ये पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। ऐसे पीढ़ी एकांतरण को विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। थैंक यू।